साथियों आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑडियंस फैक्ट्री 2020 के बारे में, ठीक है। ऑडियंस फैक्ट्री भर्ती परीक्षा 2020 जो है, अगर आपने भी फॉर्म डाले होंगे ऑडियंस फैक्ट्री के फॉर्म तो जरूर देखेंगे। लेटेस्ट अपडेट है 3 मार्च के, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाए कास्ट वाइज कैटेगरीज एज लाइक कथब के बारे में, ठीक है। तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑडियंस फैक्ट्री के पल पल के खबर आपको चाहिए तो अपडेट करने वाले, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कर में जरूर अपना नंबर मुझे बताइएगा कि सर मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, एज लाइक एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मैं आपको पक्का बताऊँगा, ठीक है। और सभी कमेंट बॉक्स में मैंने हर जितने भी कैंडिडेट सबका मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बात करने वाले हैं कि ऑडियंस फैक्ट्री भर्ती 2020 जो है, ठीक है, इसमें एससी के लिए अगले साल जो कटअप थे कितने हुए थे, ठीक है, टोटल भाई आईटीआई नॉन आईटीआई के बारे में हम डिटेल जानकारी आपको देंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑडियंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, वो एफबी बोर्ड जो है, ट्रेड दो तरह से निकाला हुआ था, ठीक है, आईटीआई और नॉन आईटीआई के बारे में निकाला हुआ था। तो आईटीआई और नॉन आईटीआई के बारे में बात करेंगे और इसमें टोटल पोस्ट जो कितने थे, 6060 थे, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया रिजल्ट, ठीक है, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट डेट की बात करते हैं तो रिजल्ट डेट कब आएंगे, तो रिजल्ट डेट की जब बात करते हैं तो अप्रैल और मई में क्या किएंगे, एक्सेप्टेड किए गए हैं कि इस कंडीशन में आज लाइक अप्रैल और मई में ही आपका रिजल्ट आएंगे। अब हम बात करने वाले कि आईटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका कटअप कितना होगा, और नॉन आईटीआई से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो उनका कटअप कितना होगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें आगे की तरफ। अब हम बात करने वाले कि आईटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं वो एफबी अप्रेंटिस, ठीक है, आईटीआई के एक्सेप्टेड कटअप जो होंगे 2020 के लिए कितने होंगे, कैटेगरी बाई कैटेगरी की बात करते हैं। जो कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं, अगर कोई कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक्सेप्टेड जो मार्क्स होंगे 80 और 85 के बीच में, अगर 80 से लेकर 85 के बीच में अगर उनका कोई परसेंटेज है तो एज लाइक उनका बुझिए सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। ओबीसी का कोई कैंडिडेट हो तो ओबीसी से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता हो, अगर 77 से 82% हो तो उनका क्या होंगे, सिलेक्शन हो जाएंगे किसमें, ओएफबी में। और एससी से कोई कैंडिडेट बिलोंग करता हो तो अगर उनका परसेंटेज 70 से 80 के बीच में होते हैं तो उनका भी सिलेक्शन होगा, और एसटी से कोई बिलोंग करते हैं तो सेम वही कंडीशन है, 70 से 80 के बीच में होंगे तो उनका भी क्या हो सकते हैं, सिलेक्शन हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉन आईटीआई के बारे में। अब यहाँ ध्यान रखेंगे नॉन आईटीआई के बारे में बात करते हैं, तो नॉन आईटीआई के लिए एक्सेप्टेड कटअप क्या बताया गया है, ठीक है। तो जनरल का कोई कैंडिडेट हो, तो जनरल का कोई कैंडिडेट हो अगर वह आईटीआई नहीं किया हुआ था, और 85 से लेकर 90 के बीच में उनका कौन सा परसेंटेज होना चाहिए, और 85 से लेकर 90 तक अगर उनका परसेंटेज होता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएंगे। ओबीसी का कोई कैंडिडेट हो तो कितना होना चाहिए, 83 से लेकर 88 मार्क्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन आईटीआई कैंडिडेट तो उनका क्या हो सकता है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, और एससी से होंगे तो 75 से 85 के बीच में अगर उनका मार्क्स हो तो भी उनका क्या होंगे, सिलेक्शन होंगे। और सेम कंडीशन एससी और एसटी के लिए दोनों में क्या है, सेम कंडीशन है, 75 से 85 के बीच में अगर हो तो उनका क्या होंगे, सिलेक्शन हो सकते हैं किसमें, ओएफबी में। और नए नए अपडेट जानने के लिए आप, ठीक है, ऑडियंस फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले तक आप तक जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।